स्वरूप है। आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टलेस से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। निकोबार द्वीप समूह में डाक बचत जमा योजनाओं में द्वीपवासियों ने अधिक रुचि दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी नेता के साथ मारपीट के आरोप में 5 पार्टी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है। दोपहर भोजन योजना के तहत पके भोजन की आपूर्ति के लिए पहले जारी टेंडर नोटिस को स्थगित कर दिया गया है। इस्लामिक नववर्ष 1936 हिजरी आरम्भ हो चुका है और एमवी निकोबार आज कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना नहीं हो सकेगा। समाचारों के संग में शमा हुसैन के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चालू वित्त वर्ष के पिछले 6 महीनों के दौरान बहाल योजनाओं में लोगों ने अधिक रुचि दिखाई है। इस अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं में बचत जमा धनराशि 17 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई। पिछले वर्ष में कुल बचत जमा पूंजी की तुलना में ये 1 करोड़ रुपए ज्यादा है। डाक सेवा निदेशक एस कंदास्वामी ने हमारे संवाददाता को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई डाक बीमा योजनाओं में तेजी आई है। डाक सेवा निदेशक ने बताया कि पोर्ट ब्लेयर के 8 डाकघरों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इन डाकघरों में ATM भी स्थापित किए जाएंगे। इस संदर्भ में आरंभिक कार्य शुरू हो चुका है। श्री कंदास्वामी ने बताया कि जल्द ही द्वीप समूह में माई स्टैम्प योजना को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्राहक अपने फोटो के साथ टिकट प्राप्त कर सकेंगे। माई स्टैम्प योजना के तहत ग्राहक को एक शीट में 12 स्टैम्प मिलेंगे। इसके लिए 300 रुपए अदा करने होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जौहरी ने मधुतर अंडमान जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती किरण टिग्गा के साथ कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप में के मद्देनजर पार्टी के राज्य सचिव बाबुल विश्वास के अलावा 4 अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इनमें नागेन बरोई, तपस विश्वास, चितरंजन विश्वास और रतन मैथी शामिल हैं। इस बीच भाजपा की राज्य अनुशासन समिति 29 अक्टूबर को इस मामले की जांच के लिए डिग्लीपुर जा रही है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में डिग्लीपुर में पार्टी की बैठक के दौरान अभद्र व्यवहार की घटना के बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ और बाबुल विश्वास को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की आगे छानबीन चल रही है। दोपहर भोजन योजना के तहत पके भोजन की आपूर्ति के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाने संबंधी नोटिस को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रशासनिक कारणों से नोटिस को स्थगित किया गया है। उधर भोजन आपूर्ति की मौजूदा प्रबंध नए टेंडर पर अंतिम निर्णय होने तक जारी रहेगा। इस बीच सांसद विश्वपद रे ने कल प्रशासन के मुख्य सचिव से मुलाकात कर आमंत्रित टेंडर में जमा की जाने वाली जमानत धनराशि को 2000 रुपए से बढ़ाकर लगभग 60,000 रुपए की जाने संबंधी प्रस्ताव पर पुनः विचार का अनुरोध किया था। सांसद का मानना है कि जमानत की धनराशि में इतनी अधिक वृद्धि होने से स्वयं सहायता समूह और पंजीकृत महिला मंडलों को धनराशि जमा करने में दिक्कत होगी। सांसद कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जमा होने वाली जमानत धनराशि की पुरानी प्रणाली को जारी रखते हुए टेंडर जमा किए जाने की तिथि आगे बढ़ाई जाए। अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का आज का प्रस्तावित व्यापार और बाजार बंद स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अध्यक्ष की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाए जाने के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में हाल ही में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने दुनिया भर में मानवाधिकार, महिला अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रचार्य डॉक्टर इकबाल अहमद ने कहा कि आज के दौर में छात्र लोगों को मानव अधिकारों के बारे में जागरूक करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। संगोष्ठी के बाद एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। राजनिवास में उपराज्यपाल का आज आयोजित होने वाला जन सुनवाई कार्यक्रम नहीं होगा, ये जानकारी प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। हर वर्ष की भांति द्वीप पर्यटन उत्सव अगले वर्ष 5 से 15 जनवरी तक आयोजित होगा। इस उत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ मुख्य भूमि से आए कलाकार भी भाग लेंगे।
सांस्कृतिक समूह मधुकर अंडमान के अलावा निकोबार द्वीप और दक्षिण अंडमान में भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। पर्यटन विभाग ने इस उत्सव की सफलता के लिए सभी विभागों और आम जनता से सहयोग की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पॉडकास्ट से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, इस्लामिक नववर्ष, जुआरियों की गिरफ्तारी, जहाज और खेल। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है और अब समाचारों की अगली कड़ी के साथ शमा हुसैन।